बी रेडी, 5 सेकंड्स, स्टार्ट। मे आई से ए वर्ड हेयर अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ए ग्रेट डील हैज़ बीन सेड एंड रिटन अबाउट आवर ट्रिमेंडस पॉपुलेशन एंड हाउ इट ओवरवेल्म्स अस एंड हाउ वी कैनॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम टिल द इंडियन पॉपुलेशन इज चेक्ड और डेसीमेटेड। वेल, आई हैव नो डिज़ायर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टू गो ऑन इंक्रीजिंग। आई एम ऑल इन फेवर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग चेक्ड, बट आई थिंक देयर इज़ ए ग्रेट मिसअप्रीहेंशन व्हेन सो मच स्ट्रेस इज़ लेड ऑन दिस एस्पेक्ट। आई एंटायरली डिसएग्री विद दैट। आई थिंक इंडिया इज़ एन अंडर पॉपुलेटेड कंट्री एंड आई से दिस नॉट बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी मच मोर पॉपुलेटेड। इट इज़ अंडर पॉपुलेटेड बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी मच मोर पॉपुलेटेड। इट इज़ अंडर पॉपुलेटेड बिकॉज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर स्टिल अनपॉपुलेटेड। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ यू गो टू दी गैंगेटिक प्लेन इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड। पार्ट्स ऑफ इंडिया आर थिकली पॉपुलेटेड बट मैनी पार्ट्स आर नॉट पॉपुलेटेड एट ऑल। ए डेलीगेट टू दिस कॉन्फ्रेंस टोल्ड मी लास्ट नाइट दैट कमिंग फ्रॉम कराची टू दिल्ली, मेड्रास एंड देन टू ओटाकमंड ही वॉज अमेज्ड टू सी दी स्कार्सिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स ही वॉज ट्रेवलिंग बाय प्लेन, नेवर दी लेस दी होल कंट्री साइड अपीयर्ड टू हिम टू बी स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड आफ्टर ऑल इट इज़ पॉसिबल टू जज वेदर द कंट्री इज हैविली पॉपुलेटेड और नॉट। दैट इज़ ए वेरी करेक्ट इम्प्रेशन बिकॉज लार्ज ट्रैक्ट्स आर नॉट पॉपुलेटेड। वी आर ओवर पॉपुलेटेड इफ़ यू लाइक बिकॉज आवर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज़ लो। इफ़ वी इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल एंड अदर एंड इफ़ द पॉपुलेशन इज़ पुट टू वर्क फॉर प्रोडक्शन देन वी आर नॉट ओवर पॉपुलेटेड। वी हैव दीज बिग रिवर वैली स्कीम्स विच इन एसोसिएशन इरीगेटिंग लैंड प्रिवेंटिंग फ्लड्स सॉइल इरोजन एंड मलेरिया विल प्रोड्यूस ए वेरी ग्रेट डील ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड एट द सेम टाइम वी विल हैव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया यू विल सी द नोबल रेंज ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम द नॉर्थ टू द नॉर्थ ईस्ट। आई डू नॉट थिंक देयर इज एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिमिलर इन एरिया विच हैज़ सो मच कंसंट्रेटेड पावर लेटेंट पोटेंशियल पावर इफ ओनली इट कैन बी टैप्ड एंड यूज्ड। वेल, वी इंटेंड टैपिंग एंड यूजिंग इट। बट माई पॉइंट इज दैट नॉट ओनली इंडिया बट द होल ऑफ दिस एशियन रीजन इज फुल ऑफ वास्ट रिसोर्सिस ह्यूमन एंड मटीरियल एंड द क्वेश्चन बिफोर अस इज हाउ टू होल्ड देम टूगेदर एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन दिस वे आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू यूटिलाइज आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सिस बेटर। आई डू नॉट थिंक दे आर बींग यूटिलाइज्ड टू द बेस्ट एडवांटेज। वी कैन गेट मोर आउट ऑफ वॉट वी हैव देन वी हैव बीन डूइंग। दैट इन्वॉल्व्स इन इंडिया एज इन द रेस्ट ऑफ एशिया मैनी प्रॉब्लम्स द इकोनॉमिक सिस्टम द रिलेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ लेबर। देयर इज नो डाउट एट ऑल दैट इन ऑल और एट एनी रेट इन मोस्ट ऑफ दीज एशियन कंट्रीज देयर आर लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल इनजस्टिसिस
एंड नेचुरली वेयर देयर आर दीज सोशल इनजस्टिस यू विल नॉट गेट प्रॉपर एंड सेटिस्फैक्ट्री वर्क एस्पेशली नाउ व्हेन देयर इज एन एक्यूट सेंस ऑफ सोशल रॉन्ग एंड सोशल इनजस्टिस आई हैव नो डाउट दैट इन इंडिया आवर प्रोडक्शन हैज़ सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस एक्यूट फीलिंग ऑफ सोशल इनजस्टिस एन इंडिविजुअल और ए कम्युनिटी मे अंडरटेक टू शोल्डर ऑलमोस्ट एनी बर्डन वी हैव सीन ड्यूरिंग द लास्ट वॉर हाउ नेशंस पुट अप विद द मोस्ट एनॉर्मस बर्डन्स इन द शेप ऑफ सफरिंग एंड सेक्रीफाइस बट ऑलवेज वेन देयर इज ए सेंस ऑफ शेयरिंग द बर्डन इन इक्विटेबली द बर्डन बींग ग्रेटर ऑन सम देन ऑन अदर्स द सेंस ऑफ इनजस्टिस बिकम्स ग्रेटर एंड यू डू नॉट हैव दैट हारमोनियस वर्किंग एंड कॉपरेशन विच इज क्वाइट असेंशियल टूडे मोर सो देन इन द पास्ट Therefore, this problem has to be viewed from the human point of view, quite apart from a purely economic point of view. If one does view it from that human point of view, if one tries to cooperate without entering into a long argument, I think one can go far in solving it and getting the measure of cooperation even among people who may hold different theories. So, I would beg this commission to consider this problem from the human point of view of removing social injustices. The commission, of course, is not going to dictate to each individual country about its economic structure, but any advice from the commission will no doubt go a long way and most countries will probably follow it in the largest measure they can. Now, to repeat what I have said, I hope this commission will bear in mind the fact that we are dealing with hundreds of millions of human beings and not abstract countries and abstract groups. Each individual is a member of a family with children who are possibly starving, who have possibly had no education and no opportunity for growth and advancement. I mentioned right at the beginning certain parts of Asia which have not completely solved their political problems.